दोस्तों, क्या आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आपके ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में, तो आप जो है मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है हमारे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में जो है कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे फ़ोन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो हमारे फ़ोन में जो एंड्रॉयड वर्जन है वो स्टॉक एंड्रॉयड है, इस वजह से हमारे फ़ोन में जो है डायलर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जहाँ पर हम जो है नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर कॉल रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हम जो है थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करके कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं हमारे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में या फिर किसी और डिवाइस में। आपने जो है पिक्सल डिवाइसेस देखे होंगे जहाँ पे इनकी कीमत तो कई ज़्यादा होती है और कई सारे फीचर भी यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इसमें जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर प्योर स्टॉक एंड्रॉयड होता है और गूगल के प्राइवेसी में ये नहीं आता है कि वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे, क्योंकि गूगल मानता है कि किसी की कॉल रिकॉर्ड करना जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये ना ही हमें अभी मिलने वाला है और ना ही आने वाली अपडेट में, इसलिए हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप ही यूज़ करना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉल रिकॉर्डर है जिसका नाम है ACR Pro और ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगा है और मैं खुद भी उसको यूज़ करता हूँ। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे कमेंट आते रहते हैं दोस्तों के कि यहाँ पर इसका कॉल रिकॉर्डिंग के लिए क्या सॉल्यूशन है। तो बस यही इसका एक सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना होगा जो आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रहा ACR कॉल रिकॉर्डर और ये जो है प्रो और लाइट वर्जन में अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रो वाला वर्जन। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है APK फाइल का, तो आप जो है वहाँ से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉल रिकॉर्डर को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। इंस्टॉल करने के बाद हमें जो है इसका सारा सेटअप कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक हमारी कॉल जो है रिकॉर्ड होने लगती है, चाहे फिर इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो। और इस कॉल रिकॉर्डर में हमें कई सारे ऑडियो फॉर्मेट मिल जाते हैं, चाहे फिर आप MP3 सेट कर सकते हैं, 3GP या MP4, ऐसे यहाँ पे हमें जो है एक्सेस दिया गया है। उसके अलावा इस कॉल रिकॉर्डर में हमें जो है माइक्रो SD कार्ड का जो है एक्सेस करने को मिल जाता है, चाहे फिर आप जो है इंटरनल स्टोरेज में जो है इस फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर जो है SD कार्ड में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहता है, अगर हमें यहाँ पे कॉल रिकॉर्डर को यूज़ नहीं करना है हमारे फ़ोन में, तो फिर हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा ड्रॉप डायलर। और दोस्तों, ये एक इकलौता ऐसा डायलर है जहाँ पे हमें नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और मैंने अपने फ़ोन में ऐसे कई सारे डायलर को यूज़ किया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है सिवाय इस डायलर के। यहाँ पर हम जो है नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस डायलर में ऐसे कई सारे फीचर अवेलेबल है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे यूनिक लगे हैं। तो हाल फिलहाल अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो हमें यहाँ पे किसी कॉल रिकॉर्डर को यूज़ करना होगा हमारे ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में, या फिर ड्रॉप डायलर की मदद से यहाँ पे हम जो है नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो है ACR की जो ऑडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी, और रही ड्रॉप डायलर की बात तो इसकी क्वालिटी यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों का ही लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जो है वहाँ से जाके इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं आपके फ़ोन में। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएगा ना जाए, और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जो है पहुँचती रहे।